गडकरी ने देश में सड़क हादसों में हो रही मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए कड़े जुर्माने के बिना ट्रैफिक रूल कोई मायने ही नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जुर्माना बढ़ाने का फैसला काफी समझ बूझ कर और विभिन्न पक्षों से सलाह लेकर लागू किया गया है। ट्रैफिक रूल के उल्लंघन को लेकर जुर्माने के नए कानून पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में भारी वृद्धि का फैसला कानून का पालन अनिवार्य बनाने के लिए किया गया है, न कि सरकारी खजाने को भरने के मकसद से। दरअसल इस महीने से जुर्माने की रकम 30 गुना तक बढ़ने और सजा की अवधि में भी इजाफे का नया नियम लागू किए जाने पर कोहराम मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात ने बढ़ी हुई दर पर जुर्माना वसूलने से इनकार कर दिया है। गडकरी ने कहा कि अब तक उड़ती रही है नियमों की धज्जियां। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण सड़क पर हो रही मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। जुर्माने में कई गुना वृद्धि का फैसला विभिन्न पक्षों से सलाह के बाद सामूहिक तौर पर लिया गया। सरकार ने इन जुर्माने से कमाई करना नहीं चाहती, ये सिर्फ उल्लंघन की घटनाएं रोकने के लिए है। अब तक यातायात नियमों का बहुत कम पालन होता रहा है। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। करंट लिस्ट में है और ये जब एक्ट बना तब 20 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्री इनकी कमेटी बनकर उनने उसमें करीब 7 पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड करके एक्ट आया। फिर ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया पार्लियामेंट में, उन्होंने इसको सजेशन दिए, उसके बाद बना हुआ है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं और 18 से 35 वयोगट में 65% डेथ है। क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए? अगर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है सर। कई 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 केसेस ऐसे आए हैं, बड़े मतलब मजेदार वाक्य हो गए कि स्कूटी की कीमत 15,000 है, चालान कट गया 23,000 रुपए का। ये आप स्टोरी बना रहे हो। अभी एक ऑटो रिक्शे वाले की बात है, वो दारू पी के भी था, लाइसेंस भी नहीं था, कागज भी नहीं थे। अगर इस प्रकार से एक्सीडेंट हो तो कौन जिम्मेदार है? और सब प्रकार के फाइन इकट्ठा हुआ तब आया। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें सरकार को फाइन ज्यादा करने की कोई ये नहीं है, इच्छा नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा समय ना आए कि किसी के ऊपर फाइन लगे, सब कानून का पालन। दरअसल संसद ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन प्रस्ताव को जुलाई में पास किया था। उसके बाद अगस्त महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि इसे 1 सितंबर से लागू किया गया। यह अलग बात है कि तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में नया कानून अब भी लागू नहीं किया गया है।